गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपको ये तो मालूम होगा कि प्रतिदिन होमवर्क दिया जा रहा है और आप प्रतिदिन अपना होमवर्क पूर्ण कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप लोग जो है प्रतिदिन अपने होमवर्क को करते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मम्मी पापा और जो आपके दादी बाबा हैं घर में सपोर्टर, आपके भाई बहन हैं आपसे बड़े, तो उनसे आप सहयोग और सपोर्ट के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। इधर देखिए बराबर पढ़ाई जारी है, आप इसको देखिए। आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, ये चतुर्थ कड़ी में आपका दिया है इसमें। आज मैं आप लोगों को अल्फाबेट ई, आपकी छोटी और बड़ी इसमें क्या अंतर होता है वो आप देखिए। ई फॉर एलिफेंट, ये बच्चों क्या बना हुआ है, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट में छाती, एलिफेंट ई। ई को हम कई वर्णों में पढ़ सकते हैं, देखिए ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर यल, ई फॉर यल, इस तरह से कई स्पेलिंग्स भी होती हैं जो आपकी कॉपी में दी हुई हैं और इनको आप पहले लिखना सीख लीजिए। लिखना सीखिए आपकी 1 2 3 4 चार ग्रुप होती हैं, इसमें किस खाने में आपकी बड़ी ई बनी है, किस खाने में आपकी छोटी ई बनी है, वो आपको ध्यान करना है, समझना है, उसी के अनुरूप आपको पूरे पेज में वर्क करना है। देखिए ई, ई आपके ऊपर से स्टार्ट होती है बच्चे की तीन अंकर, ये आपकी बड़ी हो गई, बड़ी बहन, ये आपकी छोटी बीच में, छोटा हमेशा छोटा होता है ना, जब बड़ा कोई भाई बहन होता है तो वो आपसे लंबाई में भी बड़ा होता है, चौड़ाई में भी बड़ा होता है और छोटा होता है, वो थोड़ा सा उससे साइज में छोटा होता है, एक दो साल का अंतर होता है। वही देखिए इसमें छोटी ई हमारी छोटी हो गई, छोटी हो गई तो ये बीच के खाने में फंस गई, फंस गई ना, तो ये बड़ी और ये छोटी, यानी कि ये बड़ी बहन, ये इसकी छोटी बहन हो गई ई। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसी तरह से दूसरी लिखते हैं ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर यंग भी पढ़ सकते हैं, ई फॉर यंग, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। दूसरी रूम में भी ऐसे लिखेंगे ई फॉर यंग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते जाइए लिखते जाइए। जब आपने ऊपर की रो समझ ली तो नीचे आपको दिक्कत नहीं है और इसी तरह से क्रम से आप इसको लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि किस रो में हमारा कौन सा लेटर बना हो, ई हमारी किस रो में बड़ी वाली बनी है, किस रो में छोटी बनी है, क्योंकि शुरुआत की यही कड़ी होती है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपकी लेख, आपकी राइटिंग कभी भी गंदी नहीं होगी। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, और कोशिश यही करिए कि रो वाई रो इसके नीचे सामने सामने आप लिखिए तो देखने में भी सुंदर लगता है और आपका जो पेज है वो भी रोचक लगेगा। जब आप होमवर्क करके लाओगे तो आपकी मार्क चेक करेंगी, गुड वेरी गुड आपको मिलेगा और आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे। इस तरह से आपकी इफ फॉर एलिफेंट, ये आपका पूरा हो गया। होमवर्क में देखिए ई और इसके बाद है, ई के बाद क्या आता है बच्चों, यफ, यफ फॉर फिश, फिश मीन्स मछली, या फॉर फ्लैग, फ्लैग फ्लैग मीन्स झंडा,
फिश आप क्रिस्पी मैंने दर्शाई हुई है, क्रिस्पी आप बना सकते हैं और ये ड्राइंग में भी बनाइएगा। एक फॉर पीस और इसमें एक फॉर फ्लैग भी बना सकते हैं। एक फॉर फ्लैग 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 इज झंडा, फ्लैग भी झंडा, आप झंडा भी बना सकते हैं। ओके करने का इसमें भी आप उसको बनाइएगा, झंडा भी बनाइएगा। समझ लीजिएगा। ओके आज के लिए इतना, थैंक्स।